क्लियर है? ओके जी, जावास्क्रिप्ट इज द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जावास्क्रिप्ट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ द वेब. जावास्क्रिप्ट इज इजी टू लर्न. और ये ट्यूटोरियल जो है ये आप लोग को जावास्क्रिप्ट सिखाएगा. ओके जी, एग्जांपल्स इन ईच चैप्टर. माय फर्स्ट जावास्क्रिप्ट, क्लिक मी टू डिस्प्ले डेट एंड टाइम. जैसे हम इस बटन पे क्लिक करेंगे, अब ये एक हेडिंग है, उसके नीचे एक ये बटन लगा हुआ है. हम जैसे बटन पे क्लिक करते हैं तो हमें ये टाइम शो कर देता है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम. ओके जी, व्हाई स्टडी जावास्क्रिप्ट. जावास्क्रिप्ट इज़ वन ऑफ द थ्री लैंग्वेजेस ऑल वेब डेवलपर्स मस्ट लर्न. HTML हमने पढ़ ली है, CSS पढ़ ली है, और अब उसके बाद जावास्क्रिप्ट टू प्रोग्राम द बिहेवियर ऑफ वेब पेजेस. HTML क्या करता है? हमारा स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा होता है. CSS क्या करता है? स्टाइलिंग करता है. अब इन HTML और CSS को मिला के जब हमने फंक्शनैलिटीज वगैरह ऐड करनी है, हम बटन पे क्लिक करते हैं, बटन का बिहेवियर क्या होगा, कोई हमने फॉर्म का सबमिट फॉर्म का डाटा सबमिट करना है तो तब क्या फंक्शन वर्क करेगा, वो सब हम जावास्क्रिप्ट की मदद से करते हैं. लर्निंग स्पीड, एवरीथिंग इज़ अप टू यू. द ओनली वे टू बिकम अ क्लेवर प्रोग्रामर इज़ टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. कोड कोड और कोड. ओके जी, कॉमनली आस्क क्वेश्चंस. हाउ डू आई गेट जावास्क्रिप्ट? वेयर कैन आई डाउनलोड जावास्क्रिप्ट? इज जावास्क्रिप्ट फ्री? जावास्क्रिप्ट को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होती है. जावास्क्रिप्ट हमारे सिस्टम में, हमारे ब्राउजर्स में ऑलरेडी चल रहा होता है, और जावास्क्रिप्ट इज़ फ्री है फॉर एवरीवन. ओके जी, ये थोड़ी सी चीज़ें होगी, इंट्रोडक्शन पे अब आ जाते हैं. जावास्क्रिप्ट क्या कर सकता है? जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML कंटेंट. कोई भी कंटेंट लिखा हुआ हो और हम उसको ऑटोमेटिकली चेंज कर सकते हैं. लेट सपोज अब ये कि P है, P को हमने एक ID दी हुई है. ID क्या है? डेमो. ओके जी, जावास्क्रिप्ट कैन चेंज द HTML कंटेंट. अब हम एक बटन ले रहे हैं, ये आप लोगों को बटन नज़र आ रहा है. बटन, बटन की टाइप बटन है. अब उसमें CSS जो है हम कितने वे से लिख सकते हैं? थ्री वे से, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल. सेम उसी तरह जावास्क्रिप्ट भी हम इनलाइन भी लिख सकते हैं, इंटरनल भी लिख सकते हैं और एक्सटर्नल भी लिख सकते हैं. तो ये क्या है? ये अभी इनलाइन लिखा हुआ है बटन पे. अब ये टाइप क्या है? टाइप तो बटन है. ये पूरा कोड क्या है? जो एट्रीब्यूट का नेम और ये एट्रीब्यूट क्यों वैल्यू. तो सेम उसी तरह बटन को एक और एट्रीब्यूट देते हैं ऑन क्लिक, उसके बाद आगे इसकी ये वैल्यू लिखी हुई है. बटन के एट्रीब्यूट ऑन क्लिक के, ऑन क्लिक का मतलब है जैसे ही इस बटन पे क्लिक हो तो क्या करे, ये वाला कोड वर्क करे. अब इस कोड में क्या लिखा हुआ है? डॉक्यूमेंट, जितना भी ये डॉक्यूमेंट है उसमें से गेट एलिमेंट बाय ID. हमें पता है ना कि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या कहलाता है? ये एक एलिमेंट है. ओपनिंग टैग से लेकर क्लोजिंग टैग तक जितना भी कंटेंट समेत होता है, टैग्स का ओपन, टैग्स का क्लोज और कंटेंट, ये एक एलिमेंट कहलाता है. तो डॉक्यूमेंट, ये जो डॉक्यूमेंट बना हुआ है, इस डॉक्यूमेंट में से गेट एलिमेंट बाय ID, ID को गेट करे, एलिमेंट को गेट करे ID से. अब किस एलिमेंट को गेट करे? इस एलिमेंट को जो हमने डेमो लिखा हुआ है, हमने इसको ID दी हुई है डेमो. तो अब क्या करेगा, ये एलिमेंट को गेट करेगा इस ID के ज़रिए, और उसमें क्या करेगा, डॉट इनर HTML, इसके अंदर HTML को इन कर देगा. अब वो करेगा क्या? ये वाला कोड करेगा, हेलो जावास्क्रिप्ट. जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML कंटेंट, इसकी जगह लिखा हुआ आ जाएगा हेलो जावास्क्रिप्ट, क्लिक मी. जी जी, जावास्क्रिप्ट में हम प्रोग्रामिंग सीखेंगे, वेबसाइट पे ही होगा ये. अभी बस स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर कह रहा हूँ, थोड़ी भी चीज़ें बता रहा हूँ, इसके बाद हम दोबारा कोड पे ही आ जाएंगे जिसमें HTML CSS भी यूज़ हो रही होगी और साथ ही फिर जावास्क्रिप्ट भी यूज़ हो रही होगी. बादाम ले आए, ले आए, बहुत ज़रूरी है. ओके, ये देखें, जैसे हमने क्लिक किया तो
तो ये हेलो जावास्क्रिप्ट अब लिखा हुआ आ गया। पहले क्या लिखा हुआ था, जावास्क्रिप्ट कैन चेंज एचटीएमएल कंटेंट, जैसे हम क्लिक करेंगे इसका कंटेंट चेंज हो जाएगा। हम यहाँ पे कुछ भी लिख दें, लेट सपोज हम इनर एचटीएमएल कर रहे हैं, इसमें हम पूरा का पूरा एचटीएमएल का कोड भी लिख सकते हैं। लेट सपोज H2, अब इसके अंदर दिस इज हेडिंग 2, रन करते हैं। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो H2 वर्क करेगा और उसमें दिस इज हेडिंग 2 कंटेंट लिखा हुआ होगा। ये देखें जी, इनर एचटीएमएल है, आते हैं ऐसा ऐसा जी, इनर एचटीएमएल। ये क्या कर रहे कि जब ये डॉक्यूमेंट में से इस एलिमेंट को गेट कर रहे है, तो एक ये एलिमेंट बना हुआ है। अब इसमें क्या होगा, इसको ये एलिमेंट मिल रहा है, ठीक हो गया, ये एलिमेंट है कंटेंट के बगैर। अब इसने क्या करना है, इसने सिर्फ और सिर्फ इनर एचटीएमएल ने इसके अंदर ये वाला कोड को इन कर देना है, पुट कर देना है। अगर हम इसको रिमूव कर भी दें, लेट सपोज हम इसे रिमूव कर देते हैं, रन करते हैं, तो ये देखें अभी कुछ भी नहीं है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो इस एलिमेंट के अंदर ये वाला कोड पुश हो जाएगा या इन हो जाएगा, क्लिक मी, तो ये देखें दिस इज हेडिंग 2 आ गया जी। आप लोग ये लास्ट में बैठे, अगर आगे आ जाए, क्या ख्याल है जी, डॉट इनर एचटीएमएल क्या कर रहे हैं जी। सेम ये इस तरह ही है, लेट सपोज अगर हम इसमें H2 दिस इज हेडिंग 2 ये कोड वर्क कर रहा है। अभी क्या है, करी कैंडली जरा जल्दी बैठ जाइएगा। ओके उस्मानी, इसको बंद करते भी लैपटॉप ना। ओके जी, क्लियर है यहां तक जी। डॉक्यूमेंट में से एक एलिमेंट को गेट करें, गेट किससे करें, आईडी से।
आईडी से गेट है, अब इसमें आईडी क्या लिखी है, डेमो, तो वो यहां पर से डेमो लिख रहे हैं। एक किस एलिमेंट को गेट करें जिसकी आईडी डेमो है। अब इस डेमो के अंदर हमारे पास पी आईडी इक्वल टू डेमो से लेकर फॉरवर्ड स्लैश पी तक, मतलब ओपनिंग टैग से लेकर क्लोजिंग टैग तक ये पूरा एलिमेंट आ जाएगा। उस एलिमेंट के अंदर एचटीएमएल को इन करें। अब उस एचटीएमएल में इन क्या करें, हमने ये लिखा था H2, this is heading 2, और ये H2, same यही कोड जो वर्क हो रहे हैं, same हमने ये जावास्क्रिप्ट में बनाया था। लेकिन आईडी का हमें पता है कि आईडी यूनिक आईडी होती है। पहले प्लीज भाई का सवाल बहुत अच्छा है कि हम इसको क्लास के जरिए भी कर सकते हैं। आईडी हमने पढ़ा था एचटीएमएल में ही कि पूरे पेज में एक एलिमेंट को हम यूनिक आईडी एक ही दे सकते हैं, लेकिन हम क्लास नेम जो है एक से ज्यादा दे सकते हैं। तो जब हम यहाँ पे बाई क्लास नेम करेंगे तो हमारे पास एक से ज्यादा एलिमेंट्स आ रहे होंगे, तो उन एक से ज्यादा एलिमेंट में से हमने किसी एक को सेलेक्ट करके स्टाइलिंग करनी होगी, तो वो जब हम क्लास नेम तक पहुंचेंगे हम सब करेंगे। अपनी देरी है, आपकी जो चेयर है वो चेहरी है यहाँ पर। ये सबसे ज्यादा केस सेंसिटिव है और ये खपाती भी बहुत है। हाँ जी, बटन को बना रहे इसको रिमूव कर भी ना कोई इशू नहीं है। ये बस आप इस तरह भी करें, रन करें, इसने इस तरह ही वर्क होगा जी। क्लिक मी करेंगे तो ये देखिए एक और आ गया। ओके जी, जिस तरह हमने HTML में देखा था, एट्रीब्यूट के बाद जब हम उसकी वैल्यू लिखते थे, सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं और हम डबल कोट में भी लिख सकते हैं, उसी तरह जावास्क्रिप्ट भी डबल्स भी और सिंगल को दोनों सपोर्ट करता है, एक्सेप्ट करता है। ओके जी, जिस तरह हमने इनर HTML किया, जावास्क्रिप्ट की मदद से हम किसी एलिमेंट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं HTML को, उसी तरह हम किसी भी एलिमेंट की एट्रीब्यूट्स को भी चेंज कर सकते हैं, एट्रीब्यूट को भी हम चेंज कर सकते हैं। तो उस एट्रीब्यूट को चेंज करने के लिए अभी हम क्या कर रहे थे, डॉक्यूमेंट गोट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी डेमो। जब ये हमारे पास एलिमेंट आ गया जिसकी आई डी डेमो है, उसके अंदर हम इनर HTML कर रहे थे कि HTML इनो। तो अगर हमने एट्रीब्यूट चेंज करनी है तो हम क्या करेंगे, सिंपल डॉट सोर्स उस एट्रीब्यूट का नेम लिखेंगे। एट्रीब्यूट का नेम लिखा इज इक्वल टू साइन और उसके आगे फिर वैल्यू लिख दी। सेम ये जो कंटेंट एट्रीब्यूट का नेम और वैल्यू जिस तरह हम HTML में लिखते हैं, उसी तरह फिर हमने ये जावास्क्रिप्ट में लिख देना है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी माई इमेज, हमने एक एलिमेंट को गेट कर लिया जिसकी आईडी है माय इमेज। माय इमेज में सोर्स, सोर्स हमने क्या कर दिया, पिक बलबन डॉट जिप। अब ये माय इमेज क्या है, इमेज का ही एलिमेंट है, ये आईडी दी हुई है माय ऊपर नहीं, ये देखे ना, ये इस अब पूरे डॉक्यूमेंट में एलिमेंट बेशक नीचे लिखा हुआ या ऊपर लिखा हुआ, उसने पूरे डॉक्यूमेंट को देखना है। अब ये इमेज का टैग नीचे लिखा हुआ है, इसको आईडी माय इमेज मिली हुई है, माय इमेज इसको मिली है ना। अब ये देखें ना, ये हमारा HTML का ही कोड है। पहले बटन का कोड आ गया, हमारे पास यहाँ पे बटन आ गया, इमेज का कोड आ गया, इमेज आ गई दरमियान में, बटन का दोबारा कोड आ गया, तो ये बटन आ गया। अब ये बटन जो है और इमेज जो है, ये कौन सा एलिमेंट है, ब्लॉक लेवल या इनलाइन, ये दोनों इन लाइन है। अगर ये ब्लॉक लेवल होता तो एक लाइन में ये आता, उसके नीचे इमेज आती और फिर उसके नीचे दोबारा से बटन आ रहा होता। ये इन लाइन एलिमेंट है तो इस वजह से एक साथ आ रहे हैं। हमने एक इमेज एलिमेंट लिया, उस एलिमेंट को एक आईडी दे दी माय इमेज। हमने सोर्स में पिक बल्ब ऑफ है कि इस टाइम इमेज जो है वो ऑफ लगी हुई है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, एक्चुअल में आपका प्रोजेक्ट फोल्डर जो है उसमें दो इमेजेस हैं, उसमें दो इमेजेस हैं, एक बल्ब ऑफ वाली है और एक ऑन वाली है।
अब यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहे, जैसे हम इस बटन पे क्लिक करते हैं टर्न ऑन द लाइट जिसमें लिखा हुआ है, अब इसमें फंक्शन क्या वर्क कर रहा है, डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट करो जिसकी आईडी है माई इमेज, उस माई इमेज में सोर्स, अब ये वाला सोर्स है, सोर्स में क्या करो पिक बल्ब ऑन, अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बल्ब ऑफ है, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे टर्न ऑन द लाइट इमेज चेंज हो जाएगी, इमेज कौन सी आ जाएगी बल्ब ऑन वाली, अब ये देखें हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये बल्ब ऑन हो गया, हमें नजर क्या आ रहा है कि बल्ब हम ऑन कर रहे हैं और ऑफ कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में इमेज सिर्फ चेंज हो रही है, ऑफ करेंगे तो लाइट ऑफ हो जाएगी, लाइट ऑन करेंगे तो लाइट ऑन हो जाएगी। तो ये जावास्क्रिप्ट की मदद से हो रहा है, आप सिंपल जितनी मर्जी आपको HTML आती है, जितनी मर्जी CSS आती है, उसके जरिए आप ये चीज़ नहीं कर सकते हैं जब तक आपको ये जावास्क्रिप्ट नहीं आती है। जी जी हाँ जी, इसने सिर्फ और सिर्फ एट्रीब्यूट को ये चेंज कर रहा है, ये फंक्शन जो है ये सिर्फ और सिर्फ एट्रीब्यूट को चेंज कर रहा है, कौन से एट्रीब्यूट को, सोर्स को। अब अगर यहाँ पर हम कोई और फंक्शन भी रखना चाहते तो हम क्या कर सकते थे, स्टाइल में विथ, हम इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से, जावास्क्रिप्ट की मदद से हम पूरा का पूरा स्ट्रक्चर भी चेंज कर सकते हैं और बना भी सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर जावास्क्रिप्ट की मदद से बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो इस तरह से हम HTML की मदद से बनाते हैं, हम स्टाइलिंग पूरी की पूरी जावास्क्रिप्ट की मदद से कर सकते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट से करेंगे तो टाइम बहुत कंज्यूम होगा, तो इस वजह से हम CSS यूज़ कर रहे होते हैं। अब जिसे CSS ही नहीं आती है उसने जावास्क्रिप्ट में भी आके क्या कोड कर लेना है, जिसे स्टाइलिंग करना ही नहीं आती है और जिसे HTML का स्ट्रक्चर बनाना ही नहीं आता है, वो डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट सीख के भी क्या करेगा। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमने HTML कर ली, CSS कर ली, बूटस्ट्रैप कर ली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स के लिए, और अब फिर हम जावास्क्रिप्ट में मूव हो गए हैं। आप लोगों ने असाइनमेंट जो बनाई है उसमें ऑर्डर पेज भी बनाया होगा, मतलब जिन्होंने बनाया, अगर नहीं बनाया तो उसको बना भी लीजिएगा, ऑर्डर पेज बना लीजिएगा, कॉन्टैक्ट का पेज बना लीजिएगा, तो जब हम जावास्क्रिप्ट में आगे फर्दर पहुँचेंगे तो उसी वेबसाइट को यूज़ करके आप लोग जावास्क्रिप्ट भी उसमें इम्प्लीमेंट कर दीजिएगा, आप लोग यूज़र से फॉर्म डाटा ले सकते हैं, ऑर्डर का डाटा ले सकते हैं, वो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, क्लियर है। ओके जी, उसके बाद हम CSS भी चेंज कर सकते हैं, सिंपल वही चीज़, डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट करो आईडी से, आईडी कौन सी डेमो, अब उसमें हम एट्रीब्यूट चेंज कर रहे हैं, उसमें स्टाइल, स्टाइल में फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज कितना कर दो 35 pixels, हम किसी भी एलिमेंट को हाइड कर सकते हैं, हम शो कर सकते हैं, आपने वो बूटस्ट्रैप में देखा होगा अलर्ट को, जैसे हम उस पर क्लोज पे क्लिक करते हैं तो वो हाइड हो जाता है, तो वो जावास्क्रिप्ट की मदद से ही हो रहा है। अब उस अलर्ट में क्या था, सिंपल एक बटन ही लगा हुआ था क्रॉस का, लेफ्ट साइड पे टेक्स्ट था, राइट साइड पे एक बटन था, जैसे उस बटन पे क्लिक करते थे तो वो क्या करता था, उसका डिस्प्ले नन कर देता था, तो सेम यही चीज़ हो रही है। PID डेमो, डेमो को उसने गेट कर लिया, उसमें स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू नन कर रहा है, तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला एलिमेंट क्या होगा, हाइड हो जाएगा डिस्प्ले नन होने की वजह से, क्लिक मी डिस्प्ले नन हो गया। सेम यही चीज हम अगर इसमें बाय डिफॉल्ट इस तरह करें डिस्प्ले नन, तो ये एज इट इज यही काम कर रहा है जब हम फंक्शन पे काम करते हैं। ओके जी, अब ये देखें ये काम क्या कर रहा है, सेम यही चीज, अब जिस तरह ये लिखा हुआ है डॉट डेमो तो एलिमेंट आ जाता है, उसके बाद स्टाइल, स्टाइल का एट्रीब्यूट ऐड हो रहा है, उसमें डिस्प्ले, डिस्प्ले और आगे इज इक्वल टू वैल्यू करके नन, तो ये नन इस तरह वर्क कर रहा है, क्लियर है यहां तक। पर जो स्टाइल है उसको हटाते हैं, हम जब क्लिक करेंगे तब ये नन होगा ना फिर। हाँ जी, तब होगा फिर। अब ये देखें ना, अभी जैसे हम रन करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट इसको एक्सेप्ट कर रहा है, जैसे हम इसको रिमूव कर देते हैं, हमने रिमूव किया, रन किया, अब जब हम इस पर क्लिक करेंगे तब ये इस एलिमेंट में इंजेक्ट होगा, तो जैसे हम क्लिक मी करते हैं ये वाला कोड इसमें आ गया जो अभी हमने रिमूव किया था, तो वो वर्क करने लग गया। आप लोगों ने होस्टिंग जो की थी, होस्टिंग जब हम
कर रहे थे सर्जी किया दिनक तो फिलहाल, तो वो भी जावास्क्रिप्ट बेस्ड ही है। बैकएंड जो आप लोग का सर्वर जब बनता होता है गूगल फायर पे सब, वो भी जावास्क्रिप्ट बेस्ड ही है। ओके जी जी ओके अब सेम इस तरह लेट सपोज स्टाइल डॉट डिस्प्ले, हम इसका फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 40 पिक्सल्स कर दे, रन करें तो अब क्या होगा, अब सिर्फ और सिर्फ इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज होगा, डिस्प्ले नहीं रन होगा। क्लिक मी तो ये देखें फॉन्ट साइज हो गया। हम कलर चेंज करना चाहते हैं, कलर इज इक्वल टू येलो कर दें, रन करें, अब क्लिक मी करें तो इसका कलर चेंज हो जाएगा जी। वो अभी ये कंफ्यूज हो जाएंगे, हम आगे जाके देखेंगे। ओके जी, किसी एलिमेंट को शो करवाना हो जो बाय डिफॉल्ट पहले से नन हो, बल्कि हम इसको भी करके देखते हैं, बाय डिफॉल्ट जो पहले से ही नन हो उसको हम शो भी करवा सकते हैं। अभी ये देखें डिस्प्ले ये नन है, हेलो जावास्क्रिप्ट, इसे हम रन करें तो ये देखें हेलो जावास्क्रिप्ट, यहाँ पे एलिमेंट है पी आई डी इज इक्वल टू डेमो जिसमें हेलो जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है। इसको अगर हम नन करना चाहें तो हम इसको इस तरह नन कर सकते हैं, तो ये डिस्प्ले नन हो गया है। अब अगर हम इसे दोबारा से शो करवाना चाहते हैं तो वो किस तरह करेंगे, स्टाइल डॉट डिस्प्ले, अब इस डिस्प्ले में इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगा। तो ब्लॉक होने से हमने पहले ही सीखा है एचटीएमएल और सीएसएस में कि कोई नन हो तो उसको ब्लॉक करें तो वो शो हो जाता है। जैसे अब हम इस पर क्लिक मी करेंगे तो ये हमें शो हो जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट करते हैं अब स्क्रिप्ट टैग। बूटस्ट्रैप में आप लोगों ने देखा होगा जब बूटस्ट्रैप को इंक्लूड कर रहे थे तो हम स्क्रिप्ट टैग से कर रहे थे, स्क्रिप्ट में सोर्स कर रहे थे तो उसमें आके उसकी वैल्यू लिखते थे। हम आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट में, जावास्क्रिप्ट प्रैक्टिस, एक न्यू प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट करते हैं लेट्स सपोज फर्स्ट के नाम से, इसको ओपन विद कोड कर लेते हैं। ओके जी, ओपन विद कोड किया, हमारी सबसे मेन फाइल जो होती है कौन सी होती है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल आ गई। इसे भी पता लग गया हम जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं। ओके जी, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल एमिट करते हैं। लर्निंग जावास्क्रिप्ट एच वन, दिस इज हेडिंग वन, या फिर यहाँ पे बेशक लर्निंग जावास्क्रिप्ट। ओके जी, अब एक तरीका है कि या फिर हम एक बटन बनाते हैं
बटन बना लिया क्लिक मी, या फिर सिंपल रजिस्टर के रजिस्ट्रेशन एक आप लोगों ने बना लिया पूरा फॉर्म। अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म सबमिट होगा। एक तरीका है कि ऑन क्लिक हम इस पर ही क्लिक करें तो क्या हो, या लेट सपोज अगर हमने या फिर डॉक्यूमेंट में से गेट एलिमेंट बाय आईडी, किस एलिमेंट को गेट करें, हमने अभी यहाँ पे इसको एक आईडी देनी है आईडी, या फिर हम एक पी बना देते हैं जो ब्लैंक है आईडी, इसको दे देते हैं पैरा, पैरा का नाम दे दिए इसे और यहाँ पे पैरा। अब देखिए ये कन्फ्लिक्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है, डबल कोटेशन है, नहीं डबल कोटेशन हमने लिए ना, ये देखें यहाँ पे भी डबल कोट स्टार्ट किया और यहाँ पे भी, तो अब हम इसे सिंगल यहाँ पे नहीं, ये हो गए नहीं, ये केस सेंसिटिव है, हाँ जी वो इसको गेट ही नहीं करेगा। ओके जी पैरा, अब इसमें डॉट इनर एचटीएमएल, डॉट इनर एचटीएमएल लिखा, उसमें हम क्या लिखना चाहते हैं, लेट्स सपोज दिस इज अ पैराग्राफ। अब इस वेबसाइट को चलाते हैं, ओके जी ये हमारा वेब पेज आ गया। अब इस पूरे डॉक्यूमेंट में से उसने एक एलिमेंट को गेट कर लेना है जिसकी आईडी है पैरा। अब उस पैरा में उसने क्या करना है, वो एचटीएमएल को इन करेगा जिसमें लिखा होगा दिस इज अ पैराग्राफ। रजिस्टर करते हैं तो ये देखें दिस इज अ पैराग्राफ। बटन एक बनाया, उसमें ऑन क्लिक एक एट्रीब्यूट हमने लिया, उसके अंदर अब हम जावास्क्रिप्ट का कोड करने लगे हैं। जावास्क्रिप्ट का कोड क्या है कि इस डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट करे, किस तरह करे, आईडी से करे, और जिसका आईडी का नेम हो पैरा। अब उस पैरा में जब ये एलिमेंट आ जाएगा उसमें एचटीएमएल को इंसर्ट करे, इंसर्ट क्या करे, ये लिखा हुआ नज़र आ जाए। अगर हम इसमें बी लगा देते हैं तो क्या होगा, हमारा टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। रन करते हैं, रजिस्टर करेंगे तो ये देखें टेक्स्ट अब हमें बोल्ड लिखा हुआ नज़र आएगा। इस P की जगह अगर हम H2 लेते हैं तो अब ये H2 में वर्क करेगा, ये H2 में वर्क करेगा, तो फॉन्ट साइज H2 का हमें पता है बड़ा होता है, तो ये देखें H2 करेगा जी। ओके जी एक था ये तरीका कि जब हम बटन पे क्लिक कर रहे हैं तब वो कर सकते हैं अपनी मर्जी। स्क्रिप्ट, अच्छा वो हम आगे पढ़ेंगे। अब हमने इस टाइम एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाया है, जब हम एक से ज़्यादा एग्जीक्यूट करवाते हैं तो हम फिर वो फंक्शन बनाते हैं, जब हम फंक्शन तक पहुँचेंगे तब हम करेंगे उसे। ओके जी स्क्रिप्ट, अब सेम यही चीज़ है, अभी हम कर रहे हैं ऑन क्लिक पे, अभी हम ऑन क्लिक पे कर रहे हैं, तो हम स्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी कौन सी ले पैरा, उसमें इंसर्ट करें एचटीएमएल इज इक्वल टू साइन, बोल्ड दिस टेक्स्ट इज बोल्ड। अब हम यहाँ से बटन को वैसे ही रिमूव कर देते हैं। अभी आप देखें इस पैरा के अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे ही स्क्रिप्ट वर्क करेगा अब इस कोड ने ऑटोमेटिकली वर्क कर लेना है। जैसे पेज लोड होता है, जैसे ये पेज लोड हो रहा है तो हमारे पास H1 आ जाता है, H2 आता है, उसी तरह अब ये स्क्रिप्ट का टैग भी एग्जीक्यूट करेगा। रन करते हैं तो यहाँ पर देखें हमने P के अंदर कुछ भी नहीं लिखा, हमने यहाँ ये कहाँ पे लिखा है, स्क्रिप्ट के टैग में। अब स्क्रिप्ट के टैग में हम उस पर उसको बता रहे हैं
कि इस डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट करे पैरा और उसके अंदर एचटीएमएल को इंसर्ट कर दे। इंसर्ट क्या करे, ये इंसर्ट करे, तो वो फिर इस तरह अब ये कोड वर्क कर रहा है। ओके जी, स्क्रिप्ट का टैग हो गया, जावास्क्रिप्ट फंक्शंस एंड इवेंट है। जावास्क्रिप्ट को हम हेड में भी यूज़ कर सकते हैं और बॉडी में भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है हमारे अपने पे, लेकिन बेटर वे जो है यही है कि हम बॉडी के लास्ट में करें, क्लोजिंग टैग से पहले। ओके जी, सेम इस तरह ही जैसे हम फोल्डर बनाते थे CSS का स्टाइलिंग के लिए, हम इसमें बना भी लेते हैं style.css, बॉडी बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं एक्वा कर देते हैं, हमने अभी तक लिंक नहीं करवाया। कस्टम CSS लिंक CSS, तो अब ये वर्क करेगा। उसी तरह जैसे हमने ये CSS का फोल्डर बनाया था, अब हम एक फोल्डर बनाएंगे JS का। JS का फोल्डर बनाया, इस JS के अंदर script.js, हम जैसे script.js लिखते हैं और इसको अब हम लिंक करवाना चाहते हैं, तो स्क्रिप्ट सोर्स js और script.js, अब ये लिंक हो गया हमारे इसमें। अब हम यहाँ से ये वाला कोड रिमूव कर देते हैं, script.js में आते हैं, तो अब देखें अभी बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं है। p का एलिमेंट तो यहाँ पर है, लेकिन p एलिमेंट के अंदर कुछ भी नहीं है, कंटेंट कोई भी नहीं है। हम यहाँ पर अब यहाँ पे हमें स्क्रिप्ट टैग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम वैसे ही जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं और फाइल भी जावास्क्रिप्ट की बनी हुई है। तो हमने क्या करना है, सिंपल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी क्या है, पैरा डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू दिस इज अ पैराग्राफ। तो ये देखिए अब ये इस तरह भी वर्क करेगा। तो जी बटन की जरूरत ही ना, क्योंकि हम ये कोड जो कर रहे हैं, पहले हमने कोड किया था कि ऑन क्लिक पे वो वर्क करे, पहले हम कह रहे थे कि बटन जब क्लिक को तब वर्क करे। हम अब क्या कर रहे हैं कि बटन को क्लिक किए बगैर ही हम पहले से ही जैसे ही पेज लोड हो तो उस पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर ये इंसर्ट हो जाए कोड। आगे अभी तो ये स्टार्ट है, तो जब हम मतलब स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे तो आप लोगों को खुद ऑटोमेटिकली समझ आने लग जाएगी। कुछ कोड ऐसा होगा जो हमें क्लिक किए बगैर फंक्शन करना पड़ेगा, कुछ क्लिक करने पे करना पड़ेगा, तो हमारी वेबसाइट और हमारे पे डिपेंड करता है। ओके जी, एक्सटर्नल स्क्रिप्ट्स कैन नॉट कंटेन स्क्रिप्ट टैग्स, नहीं कर सकती हैं। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के एडवांटेजेस, एचटीएमएल के कोड से सेपरेट हो जाता है, जिस तरह सीएसएस का कोड सेपरेट हो जाता है उसी तरह एचटीएमएल का भी सेपरेट हो जाता है। मेक्स एचटीएमएल एंड जावास्क्रिप्ट ईजियर टू रीड एंड मेंटेन, कैशे जावास्क्रिप्ट फाइल्स कैन स्पीड अप पेज लोड्स, कि एक बार जब आपके प्रोजेक्ट फोल्डर में वेबसाइट लोड हुई है, वो फाइल लोड हो चुकी है, नेक्स्ट जब भी किसी पेज पे मूव करेंगे और उसी फाइल को आप दोबारा से कॉल कर रहे होंगे तो वो पहले से ही कैशे में स्टोर होगी, तो इस वजह से बार बार वो फाइल लोड नहीं हुआ करेगी, तो आपकी वेबसाइट स्पीड होगी। ओके जी, HTTPS ये सेम वैसे ही है जैसा हमने बूटस्ट्रैप का कोड लिंक किया था CDN के थ्रू। अगर आपके फोल्डर में है तो फोल्डर करेंगे, वरना विदाउट एनी पाथ भी कर सकते हैं अगर आपके प्रोजेक्ट फोल्डर में ही वो फाइल पड़ी हो। उसके बाद कोड दिखाना, जावास्क्रिप्ट का कोड दिखाना, डिस्प्ले पॉसिबिलिटीज जो है, एक इनर HTML है, हम अभी इनर HTML कर रहे हैं, ऐसे ही ना, हमने अब तक जितना भी कोड जावास्क्रिप्ट का देखा है वो इनर HTML करके देखा है। एक सॉल्यूशन होता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये हम टेस्टिंग पर्पज़ के लिए कर रहे होते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में क्या होता है, आपका कोड जितना लिखा होता है HTML का, ये उसको रिप्लेस कर देता है सारा का सारा,
आपका पुराना HTML जितना भी लिखा होगा सारा डिलीट हो जाएगा और नेक्स्ट सिर्फ डॉक्यूमेंट डाइट में जो हमने लिखा होगा सिर्फ और सिर्फ वो शो होगा। विंडो डॉट अलर्ट से क्या होता है, एक हमें अलर्ट बॉक्स शो हो जाता है, उसमें हम जो भी लिखते हैं वो हमें शो हो जाता है। लेट्स सपोज अक्सर एरर वगैरह दिखाना होता है या वार्निंग वगैरह शो करनी होती है या कोई सक्सेस मैसेज दिखाना होता है तो वो भी हम विंडो अलर्ट में दिखा सकते हैं। कंसोल डॉट लॉग ब्राउज़र में एक कंसोल बॉक्स भी होता है तो हम उसमें भी ये दिखा सकते हैं। तो अब हम उस पर ही वर्क करते हैं। स्क्रिप्ट डॉट जे एस में आ जाते हैं, इसे हम पी के अंदर इनर एच टी एम एल लिखें तो तब भी एज ए, अब यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज अ पैराग्राफ, ये चीज़ इंसर्ट हो रही है। अगर हम ये करवाना चाहते तो हम ये भी लिख सकते थे यहाँ पर बी और यहाँ पे बी, तो ये सेम वर्क करेगा। ठीक है, जी जी हम कर सकते हैं, हाँ जी खुश हो जाना था। लेकिन अब अगर हम यहाँ पर इनर टेक्स्ट लिखें तो अब क्या होगा, अब ये इसको भी एज इट इज टेक्स्ट ही कंसिडर करेगा तो वो हमें बी लिखा हुआ शो नजर आएगा। ओके जी, इंटरनल हम आते हैं फिलहाल। स्क्रिप्ट हम एक से ज़्यादा भी स्क्रिप्ट के टैग यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह CSS को लिंक करवाने के लिए हम एक से ज़्यादा लिंक के टैग यूज़ करते हैं, उसी तरह जावास्क्रिप्ट के लिए भी मैं एक से ज़्यादा को यूज़ कर सकते हैं। स्क्रिप्ट का टैग, लेट सपोज हमने कोई चीज़ अलर्ट करवानी है, सिंपल अलर्ट अलर्ट लिखा, ये एक फंक्शन है। अब यहाँ पे देखें मैसेज, हम यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, हमने टेक्स्ट लिखना है तो डबल कोट्स में लिखेंगे और यहाँ पर दिस इज़ अ अलर्ट मैसेज, एंटर करेंगे ये कोड हमारा एग्जीक्यूट होगा और हमारी वेबसाइट में देखें अब यहाँ पर एक ये ब्लू साइन आपको नज़र आ रहा है, आ रहा है ये देखें, तो इसका मतलब यहाँ पे वेब इस हमारे पेज में अलर्ट हुआ हुआ कुछ हमारे पास शो हो रहा होगा। ये देखें दिस इज़ अ अलर्ट मैसेज, ओके करते हैं तो ये क्लोज हो जाता है। एक से ज़्यादा करवाना चाहते हैं, दिस इज एन अदर अलर्ट मैसेज, तो अब हमारे पास दो शो होंगे, ओके करेंगे, जैसे ही ओके करती हैं तो उसके बाद हमारे पास एक और ये शो हो जाएगा, ओके करती हैं तो ये देखें जी दोबारा किसे वापस लाना, अलर्ट हम वैसे एक बार ही करवाते हैं, दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पेज रिफ्रेश करने से तो आ ही जाएगा वो, तो मतलब जब आपका पेज लोड होगा तो वो कोड वर्क करेगा। ओके जी, अलर्ट हो गया। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हम यहाँ पर लेट सपोज डॉक्यूमेंट में कुछ लिखना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट दिस टेक्स्ट इज रिटन इन द डॉक्यूमेंट राइट फंक्शन, तो ये देखें ये लिखा हुआ नजर आएगा, जैसे ही पेज एक बार लोड पूरा हो जाता है तो ये लिखा हुआ नज़र आता है। लेकिन अब अगर हम इसे सेम कोड को, इस सेम कोड को एक बटन के अंदर रखते हैं, राइट, हमारे पास एक बटन आ जाएगा, ये देखें बटन आ गया, ऑन क्लिक में डॉक्यूमेंट डॉट राइट राइट द कोड। ओके जी, सिंपल अब ये लिखा है, अभी देखें ये कोड वर्क कर रहा है,
ठीक हो गया। जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ, इस बटन पे क्लिक होने से क्या होगा, ये वाला फंक्शन वर्क करेगा। अब डॉक्यूमेंट राइट क्या करता है, ये पूरे डॉक्यूमेंट को दोबारा से राइट करता है। इस बॉडी में ये दोबारा से सारा का सारा राइट हो जाएगा। राइट, तो ये देखें हेड का टैग भी हमारा जितना लिखा हुआ था वो सारा का सारा रिमूव हो गया है। इवन के टाइटल भी जो हमने लिखा हुआ था, लिंक किया हुआ था, मेटापोर्ट, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी दोबारा से ओवरराइट हुई हैं। और उसमें अब क्या लिखा हुआ आएगा, सिर्फ और सिर्फ बॉडी में राइट द कोड। इसको अगर हम इंस्पेक्ट करके देखें, हेड में कुछ भी नहीं है, बॉडी में सिर्फ और सिर्फ राइट द कोड लिखा हुआ आ गया है। अगर हम यहाँ पर H1 लिख देते हैं तो अब ये राइट है, तो ये देखें अब इसमें बॉडी के अंदर एक H1 का कोड आ गया। ये देखें H1 और H1 में राइट द कोड। इनर HTML भी देख लिया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी देख लिया, विंडो डॉट अलर्ट भी देख लिया, कंसोल डॉट लॉग जी जी अब एक और बटन है, हम रख सकते हैं हाँ जी, हो सकता है H1, साथ ही इसमें एक और बटन क्लिक मी ऑन क्लिक और डॉक्यूमेंट डॉट चलिए हम इसको एक फंक्शन के जरिए भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये आपको इस तरह एरर दे देगा, लेकिन अगर हम फंक्शन के जरिए करते हैं तो वो फिर वर्क करेगा। लेकिन अगर हम बटन सिर्फ दिखाना चाहते हैं तो बटन हम दिखा सकते हैं। राइट, तो ये देखें क्लिक मी। जब हम थोड़ी सी आगे जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे आपको फंक्शंस के बारे में पता लगेगा। तो फंक्शन में हम काफ़ी सारी चीज़ें फिर कर सकते होंगे कि एक ही कोड से हम काफ़ी सारा डाटा एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। ओके जी, कंसोल डॉट लॉग पे आते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट है। टेस्टिंग पर्पज़ के लिए हम ये सारा का सारा कोड एक पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में लिख रहे हैं। अगर हमने इसी कोड को डॉक्यूमेंट में नहीं दिखाना, कंसोल बॉक्स में दिखाना है, तो हम क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग। रिफ्रेश किया, अब देखें यहाँ पे कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है, हालांकि हमने डॉक्यूमेंट राइट की जगह कंसोल डॉट लॉग लिखा है। अब कंसोल डॉट लॉग कहाँ पर शो होता है, यहाँ पे कंसोल में एलिमेंट्स के साथ कंसोल में आएंगे तो ये देखें यहाँ पे दिस टेक्स्ट इज रिटन इन द डॉक्यूमेंट राइट फंक्शन, मतलब टेक्स्ट वही लिखा हुआ था हमने इन द कंसोल लॉग करते हैं, तो ये देखें कंसोल लॉग। हम जितना भी वर्क कर रहे होते हैं, किसी एरर को कैच करना, कोई नोटिफिकेशन शो करवाना, डाटा आ रहा है डाटा को गेट करना, वो सारा का सारा हम कंसोल डॉट लॉग में ही कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर रहे हों, इनर HTML कर रहे हों, या फिर एक और क्या था, अलर्ट कर रहे हों, अलर्ट में तो वैसे इतना डाटा हम शो भी नहीं कर सकते हैं, तो हम सारा का सारा डाटा कंसोल डॉट लॉग में देख रहे होते हैं। जी प्रॉम से तो हम डाटा गेट करते हैं यूजर से। हाँ जी, अलर्ट की स्टाइलिंग कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र की जो बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग होती है उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली मॉडल वगैरह हम देखते हैं तो वो मॉडल अलग से बनते हैं। ओके जी, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी वेबसाइट पे हम प्रिंट वगैरह भी करवा रहे होते हैं, तो सिंपल अगर इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवाना हो तो डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवाने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट प्रिंट,
हम किसी बटन पे क्लिक करवा के करते हैं, ये बटन प्रिंट मी ऑन क्लिक डॉक्यूमेंट डॉट प्रिंट, होपफुली डॉक्यूमेंट ही है, अच्छा जी डॉक्यूमेंट नहीं, इसकी जगह हमारे पास आएगा विंडो, इस विंडो को कर रहे हैं। ओके जी, मोर सेटिंग्स में जाके हेडर्स एंड फुटर्स भी अक्सर हम दिखा रहे होते हैं। हेडर्स एंड फुटर्स में क्या होता है, टाइम वगैरह, पेज का टाइटल आ जाता है और पेज का यूआरएल आ जाता है। अगर हमने इसको हाइड करना हो तो हम यहाँ से हाइड कर सकते हैं, सेव एज पीडीएफ करेंगे, सेव एज पीडीएफ हो जाएगा किसी प्रिंटर को सिलेक्ट करके जी, ये पूरे इस डॉक्यूमेंट को, पूरे इस डॉक्यूमेंट को ये प्रिंट कर रहे हैं। हाँ जी सच्ची मुची होगा। अच्छा जी, ये डॉक्यूमेंट की जगह ना विंडो है, विंडो डॉट प्रिंट। अब विंडो क्या होता है वो हम आगे देख लेते हैं। ओके जी, विंडो डॉट प्रिंट, ओके जी क्लियर है यहाँ तक? गाइस साइलेंस प्लीज। साइलेंस प्लीज जी। ओके जी, जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स वगैरह बनाना,
दोबारा रिपीट करवा दूँ? वैसे आप लोग वीडियो भी देख सकते हैं, वीडियो से देख लेंगे यार। ओके जी, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, जावास्क्रिप्ट क्या चीज़ है। किसी भी बटन पे क्लिक करें, अगर हमने टाइम वगैरह देखना हो हम टाइम भी देख सकते हैं। हम जावास्क्रिप्ट को स्टडी क्यों करते हैं, ये तो वैसे भी थ्योरी चीज़ें हैं। इंट्रोडक्शन में किसी भी एलिमेंट का कंटेंट हम चेंज कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं, इनर एचटीएमएल करके। डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट करें डेमो, जिस एलिमेंट में आईडी और डेमो, उसको ये गेट कर लेगा, उसके अंदर एचटीएमएल को इंसर्ट कर दें। इंसर्ट क्या करें, हेलो जावास्क्रिप्ट, तो ये लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। साइलेंस प्लीज यार, ये सिस्टम जो यूज़ कर रहे हैं, काइंडली ये तो बंद करें आप लोग, सिस्टम बंद कर दें अपने अपने आप लोग। ओके जी, जावास्क्रिप्ट क्या करता है, एक्सेप्ट करता है बोथ डबल एंड सिंगल कोट। अगर आपने सिंगल लिखना है सिंगल लिख सकते हैं, डबल लिखना है तो डबल भी लिख सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। एचटीएमएल के किसी भी एलिमेंट के एट्रीब्यूट्स को चेंज करना जावास्क्रिप्ट वो भी कर सकता है। टर्न ऑन द लाइट से लाइट ऑन हो जाएगी, टर्न ऑफ द लाइट से लाइट ऑफ हो जाएगी। अब ये हो क्या रहा है, सिर्फ और सिर्फ, हाँ जी, इमेज एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट को एक आईडी मिली हुई है, उस आईडी को टारगेट करके सिर्फ और सिर्फ सोर्स में से उसका एट्रीब्यूट्स की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है। कर सकते हैं जी, अभी ये देखें ना, इसकी विथ जो है, इस इमेज की विथ 100 पिक्सल रखी हुई है, अगर 150 पिक्सल कर देते हैं, रन करें तो उसकी विथ इंक्रीज हो जाएगी। टर्न ऑन दी लाइट, लाइट ऑन हो गई और इस तरह लाइट ऑफ हो गई। इसका मैं कोड जी जी वो पिक है ना, मैं आपको इसकी तस्वीर निकाल के दिखाता हूँ। ओपन इमेज इन न्यू टैब, हमारे पास एक ये इमेज है, टर्न ऑन दी लाइट, हम इसकी इमेज भी उठा लेते हैं। अब ये देखें, ये दो सिंपल इमेज लगी हुई है, सेव इमेज है, इसको हम डेस्कटॉप में रखते हैं और ये ऑफ वाले को भी, डेस्कटॉप सेव। हमारे पास ये देखिए दो इमेज आ गई, एक ये और एक ये, इसे हम अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में ले आते हैं। प्रोजेक्ट फोल्डर में इमेजेस का फोल्डर बना लिया और यहाँ पे हमने इमेज रख दी दो, पिक बल्ब ऑफ और पिक बल्ब ऑन। कोड में आते हैं, अब यहाँ पे कोड हो क्या रहा है एक्चुअल में, ये देखें, हमने एक लेट्स सपोज डिव ले लिया, ठीक हो गया, डिव लिया, डिव में H1 चेंजिंग द सोर्स एट्रीब्यूट, सेंटर लाइन करना है, स्टाइल टेक्स्ट लाइन सेंटर। यहां पर एक बटन ले लेते हैं, टर्न ऑन द लाइट, और एक बटन ले लिया टर्न ऑफ द लाइट, और लेट सपोज हम यहां पे इमेज का एट्रीब्यूट यूज कर लेते हैं। इसमें बाय डिफॉल्ट हम इमेज कौन सी रख रहे हैं, इमेजेस में हम या फिर ऑन की रख लें, लेट सपोज हम इसमें ऑन की रख लेते हैं। ये देखें, अब हमने इमेज रखी है ऑन की रखी है, बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं ताकि वो वाइट कलर हो जाए। ये देखें, बैकग्राउंड कलर वाइट हो गया। टर्न ऑन दी लाइट पे क्या हो, लाइट इमेज ऑन हो जाए, टर्न ऑफ दी लाइट से वो ऑफ वाली इमेज आ जाए। अब हम इसका कोड कर लेते हैं,
दो बटन लिए, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक से क्या हो, इस डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट करो बाय आईडी। अब इस एलिमेंट की आईडी क्या रखते हैं हम, आईडी कुछ भी रख सकते हैं, लेट सपोज आईडी बल्ब इमेज रख देते हैं, ठीक हो गया, हमने आईडी ये रख दी। इस आईडी को कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये एलिमेंट को गेट करेगा, इस एलिमेंट को। और अब हम उसमें क्या करते हैं, डॉट सोर्स डॉट आगे जी, ये देखें ना यार आप लोग, यहां पे डॉट सोर्स में सेम एज इट इज, हम जो सोर्स यहां पे लिखते हैं, सोर्स इज इक्वल टू, ठीक हो गया, हमने सिर्फ और सिर्फ इमेज का ही, जिस तरह हम यहां पे ये सोर्स लिखते हैं, लेट सपोज हम इसको ही कॉपी करते हैं, सोर्स हमने कॉपी किया और यहां पे सोर्स है, हम डबल कोट्स यहां पे यूज कर रहे हैं, हमने क्या करना है, सिंगल कोट यूज करेंगे ताकि हमारा कोड वर्क करे। सिंगल कोड वर्क किया, अच्छा जी, टर्न ऑन द लाइट, टर्न ऑन द लाइट पे बल्ब ऑन वाली आ जाएगी, और यही कोड, बल्कि मैं दोबारा टाइप ही करके दिखाता हूँ। ऑन क्लिक हम फंक्शन यूज कर रहे हैं, जैसे इस पे क्लिक हो तो एक ये कोड वर्क करे, डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट करो बाय आईडी, आईडी हमने कौन सी रखनी है, सेम यही रखनी है, आईडी तो सेम यही रखेंगे ना, हमने इसका एट्रीब्यूट चेंज करना है। अब इसमें हम डॉट सोर्स करके सिर्फ और सिर्फ इमेज चेंज कर डॉट सोर्स, अब बल्ब ऑन की जगह यहां पर हम कर देंगे बल्ब ऑफ, सेव करते हैं, अपनी वेबसाइट पर आते हैं। बाय डिफॉल्ट ये लाइट ऑन ही है, जैसे टर्न ऑफ दी लाइट करेंगे तो वो ऑफ वाली इमेज आ जाएगी, टर्न ऑन दी लाइट करेंगे तो टर्न ऑन वाली आ जाएगी इमेज, ये कोड वर्क हो रहा है वहां पे। जी कुछ, हाँ जी, तो इमेज यहाँ पे वैसे खत्म कर दें, इमेज खत्म कर दी, अब यहाँ पे आपको इमेज शो ही नहीं होगी। टर्न ऑन दी लाइट करेंगे ऑन वाली इमेज आ जाएगी, टर्न ऑफ दी लाइट करेंगे ऑफ वाली इमेज आ जाएगी। अगर यहाँ पर लेट सपोज बटन हाइड द इमेज, हाइड द इमेज करते हैं, ऑन क्लिक डॉक्यूमेंट गो गेट एलिमेंट बाय आईडी बल्ब इमेज डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू नन, टर्न ऑन द लाइट, ये किधर गई, ओके जी, टर्न ऑन द लाइट, तो ये इमेज वोवली आ गई, टर्न ऑफ द लाइट इमेज वोवली आ गई। हाइड द इमेज करने से क्या होगा, इसका डिस्प्ले सिर्फ नन होगा, हाइड द इमेज तो डिस्प्ले वो नन हो गया। ओके जी, सीएसएस चेंज करना, सीएसएस चेंज कर सकते हैं, डिस्प्ले नन करना, ब्लॉक करना, और उसके बाद कहाँ पे हम ये यूज कर सकते हैं, हेड है, बॉडी है,
एक्सटर्नल आउटपुट देखने के लिए इनर एचटीएमएल डॉक्यूमेंट डॉट राइट विंडो डॉट अलर्ट। अच्छा, ये विंडो डॉट अलर्ट या सिंपल अलर्ट आप पे डिपेंड करता है, जिस तरह भी यूज़ करना चाहे, या विंडो डॉट अलर्ट करेंगे या फिर अलर्ट, डिपेंड करता है डेवलपर कौन सा यूज़ कर रहा है। कुछ डिफरेंस नहीं है। इस विंडो का मतलब है कि पूरी वेबसाइट जितनी भी है इस पूरी विंडो में, और अलर्ट सेम भी वही काम करेगा। हाँ जी, प्रिंट के लिए लाजमी है कि मेरा ख्याल है वो शायद वो भी काम कर जाए, देखते हैं। बटन ऑन क्लिक प्रिंट, क्लिक क्लिक, वैसे भी ये काम कर, क्योंकि विंडो है, विंडो में उसको बाय डिफॉल्ट वैसे ही सारे फंक्शंस मिल जाएंगे उसके। अच्छा जी, अब ये देखें एक्चुअल में ये है क्या, ये प्रिंट हो गया, ये एक फंक्शन है इसका अपना बना बनाया, जावास्क्रिप्ट का अपना बना बनाया फंक्शन है, अलर्ट इसका अपना बना बनाया फंक्शन है जो विंडो का है। तो विंडो ना भी यूज़ करें, हम ये यूज़ कर सकते हैं। इस अलर्ट में दिस इज अ अलर्ट बॉक्स, और यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 लिख दें, लर्निंग जावास्क्रिप्ट कुछ भी लिख सकते हैं। अब हम जिस जिस क्लिक उस पर क्लिक करेंगे, ये प्रिंट वाला था, ये क्या कर रहा है, दिस इज अ अलर्ट बॉक्स, ये क्लिक करते हैं तो ये भी अलर्ट बॉक्स है लेकिन 1 2 3 4 5 6 दिखा रहा है, ये क्लिक करते हैं तो लर्निंग जावास्क्रिप्ट है, मतलब हमने जो भी उस पर कोड किया था। जी हाँ जी हाँ जी, जावास्क्रिप्ट है ना, ऑटोमेटिक, अभी हम ये कोड जो कर रहे हैं ये बटन के ऑन क्लिक होने पे कर रहे हैं। अगर हम बाय डिफॉल्ट इस स्क्रिप्ट में ही लिख दें, लेट्स सपोज इस स्क्रिप्ट में ही अलर्ट हम लिख देते हैं, तो अब क्या होगा, जैसे ही ये कोड एग्जीक्यूट होगा, स्क्रिप्ट का टैग भी एग्जीक्यूट होगा, उसके अंदर जो फंक्शन होगा वो चल जाएगा, अलर्ट कोड एग्जीक्यूटेड। तो ये देखें, अब जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी वेबसाइट पूरी की पूरी जो लोड हो चुकी है वो हमें शो हो जाएगी। राइट करने से क्या होगा, पुराना जितना भी कोड था एचटीएमएल का सारा रिमूव होके हमने डॉक्यूमेंट राइट में जो लिखा होता है वो हमें शो हो जाता है, जो ये वाला लिखा हुआ है। जी एक बटन पे क्लिक पे क्लिक, हमने बटन का टेक्स्ट, बटन का टेक्स्ट यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं जो यूज़र को शो होगा, क्लिक अलर्ट स्ट्रिंग इसे कह लें, क्योंकि हम अल्फाबेट जो लिखते हैं उसे स्ट्रिंग कहा जाता है जावास्क्रिप्ट में, और हम नंबर जो लिख रहे हैं अलर्ट नंबर्स इसका कह दें, और इसे वैसे ही क्लिक का नाम दे दें जो भी। ओके, प्रिंट से वो प्रिंट होगा, अलर्ट स्ट्रिंग से स्ट्रिंग अलर्ट होगा, अलर्ट नंबर से नंबर्स वाला अलर्ट आ जाएगा, क्लिक करने से लर्निंग जावास्क्रिप्ट जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ था वो शो होगा। ओके जी, उसके बाद स्टेटमेंट्स, एक लाइन में लिखा हुआ जितना भी कोड होता है, फॉर एग्जाम्पल लेट एक्स वाई जी, ये एक स्टेटमेंट है, एक्स इज इक्वल टू 5, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया एक्स, अब उस एक्स की हम वैल्यू दे रहे हैं, ये स्टेटमेंट 2 हो गई। अब जिस तरह हमें उसमें देखा था सीएसएस में, हमारा कोड जो है टॉप से बॉटम पे वर्क कर रहा होता है, ऐसे ही है। लेट सपोज हम बॉडी का कलर ऊपर वाइट देते हैं या ब्लैक देते हैं, नीचे आके रेड कर देते हैं, तो कौन सा कोड वर्क करेगा, नीचे वाला ना, उसका बॉडी का कलर रेड हो जाएगा। सेम इस तरह ही ऊपर हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, अब हम नीचे उसकी
वेरिएबल्स की वैल्यू को डिक्लेयर कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 5 हो गया। अब लेट्स सपोज हम नीचे एक और बार जाके x इज इक्वल टू 10 कर देते तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली x इज इक्वल टू 10 हो जाती, x की वैल्यू 10 हो जाती। अब z हमने तीन वेरिएबल्स लिए हैं x, y, z, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 6, z जो होगा इज इक्वल टू x प्लस y, तो ये 11 हो जाएगा। लेकिन हमने ये कोड तो वर्क हो रहा है, ये कोड वर्क हो रहा है, लेकिन अगर हमने इसका आउटपुट कहीं पे शो करवाना है तो वो हमने चार मेथड जो देखे हैं हम उसमें से कोई एक यूज कर रहे होते हैं, या फिर हम इनर एचटीएमएल करेंगे, या फिर हम अलर्ट कर रहे होंगे, या कंसोल कर रहे होंगे, या फिर चौथा कौन सा हमने पढ़ा था, डॉक्यूमेंट डॉट राइट से काम कर रहे होंगे। ये कमेंट लिखा हुआ है, आगे इसका कमेंट्स का भी आ जाएगा, वो भी देखते हैं। ओके जी, जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम्स है, अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि एक कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट कर रहा होता है। इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दीज प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड स्टेटमेंट्स है। कि हमने ये जो एक इंस्ट्रक्शंस लिखी है ये एक स्टेटमेंट है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में या जावास्क्रिप्ट में भी कह लें हम इसे एक स्टेटमेंट कहते हैं। x इज इक्वल टू 5 ये एक और स्टेटमेंट है, y इज इक्वल टू 6 एक और स्टेटमेंट है। हम जब भी अपनी एक स्टेटमेंट को कंप्लीट कर रहे हो तो हम सेमी कॉलन लिखते हैं लाजमी, जैसे हम css में लिखते थे, जैसे हम css में लिखते थे, फॉर एग्जांपल फॉन्ट साइज कॉलन, फॉन्ट साइज का जो भी वैल्यू लिखी उसके बाद सेमी कॉलन लिखते थे, देन हम नेक्स्ट लाइन में आते थे। उसी तरह जावास्क्रिप्ट में भी जैसे हमने एक स्टेटमेंट कंप्लीट करनी है तो हम इसको सेमी कॉलन से एंड करते हैं। मैं आपको इसका एक डेमो दिखा देता हूं। अब ये देखें, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो इनर एचटीएमएल, इस आईडी में डेमो में ये वाली वैल्यू क्या है, इंसर्ट हो रही है डॉट इनर एचटीएमएल, बल्कि मैं आपको दिखाता हूं। लेट ए बी सी, हमने तीन वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। पहले जावास्क्रिप्ट में लेट का वर्ड नहीं होता था, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल का वर्ड होता था वी ए आर। जैसे जैसे जावास्क्रिप्ट, हमने एचटीएमएल का कौन सा वर्जन पढ़ा है 5, उसी तरह जावास्क्रिप्ट के भी वर्जन है, वो हमने पढ़े नहीं है, आप लोग देखना चाहें खुद से देख सकते हैं। तो जब जावास्क्रिप्ट के वर्जन चेंज होते गए उसमें लेट वर्ड भी आ गया। सेम ये वेरिएबल की तरह वर्क करता है लेकिन कुछ इसके मकासद चेंज है। लेट ए बी सी, ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 10 कर लें, सी इज इक्वल टू बी माइनस ए, तो क्या वैल्यू आएगी, 5 आ जाएगी ना, नहीं सिर्फ 5 आएगी, b 10 है, b माइनस a, 10 में से 5 माइनस करें तो 5 बच जाएगा। ये कोड वर्क हो रहा है, हम अपनी वेबसाइट पे आते हैं, ये कोड वर्क हो रहा है लेकिन अभी तक हमने इसको कहीं पे शो नहीं करवाया है। तो शो करवाने के लिए हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज यहां पर p, हम P के अंदर द सम ऑफ या फिर द कैलकुलेशन ऑफ B माइनस A इज इक्वल टू ले लिया। अब यहां पे हम एक स्पैन का एलिमेंट ले लेते हैं, पैराग्राफ में स्पैन का एलिमेंट ले लेते हैं। ये कहां पे अलर्ट हो रहा है, ठीक हो गया, द कैलकुलेशन ऑफ बी माइनस ए इज इक्वल टू, यहां पे हम शो करवाना चाहते हैं। कोड पूरा वर्क हो गया है, ये कोड पूरा का पूरा वर्क हो रहा है। स्पैन में आईडी ले लेते हैं और यहां पे सी ए एल सी लिख देते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कौन सी, c
calc.innerHTML इज इक्वल टू, हमने क्या दिखाना है, सी। तो हम यहाँ पे सिंपल सी कर देते हैं इस तरह। तो अब सी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 5 होगी। सेव करते हैं तो यहाँ पे ये देखें आप लोगों को ये 5 नज़र आ रहा होगा। हम b माइनस ए कर रहे हैं, b प्लस ए कर दें तो क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। नंबर जो है वो हम कोटेशन मार्क्स में नहीं लिखते हैं, सारा मैथ के जितने मर्जी वो फंक्शन यूज़ कर लें, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं ना, तो हम वो यूज़ कर सकते हैं। लेट सपोज 10 इसे 2 कर दें और 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा, 5। मल्टीप्लाई करें तो ये 20 बन जाएगा। हाँ जी, नहीं, इसको 10.5 करें तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई 10.5 21 कर देगा। ये आप कह रहे थे जी, नहीं मैथमेटिक जो भी लिखे हैं वो उसको एग्जीक्यूट करने लग जाएगा ऑटोमेटिक, वो तो जाहिर सी बात है। हमने जी वो जब यूजर से ऐड करवाएंगे वो हम आगे देखेंगे, सारी चीज़ें हो सकती हैं। 10% कर दें तो ये 0.5 आ जाएगा, जो भी उसकी वैल्यू बनती है। हाँ जी, कर सकते हैं, दोनों करेंगे, वो आगे डिफरेंस आएगा, आगे डिफरेंस आएगा तो हम देखते हैं जी। कॉन्स्ट की वैल्यू नहीं हम चेंज कर सकते हैं बाद में, मैं आपको बताता हूँ। साइलेंस प्लीज, ज़्यादा साइलेंस प्लीज। अच्छा जी, अब ये देखें, लेट क्या है, लेट एज अ वेरिएबल डिक्लेयर होता है। वेरिएबल और कॉन्स्टेंट की वैल्यू का डेफिनेशन का किसी को बताओ, कोई एक भाई वेरिएबल बताइएगा। वेरिएबल जो चेंज होता रहता है। हाँ जी, कॉन्स्टेंट होता है। हाँ जी, कॉन्स्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है, हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं जी। स्ट्रिंग नहीं, वो हम, वो अलग चीज़ है। वेरिएबल और कॉन्स्टेंट, लेट और कॉन्स्टेंट, ये लेट है और ये कॉन्स्ट है। कॉन्स्टेंट को हम इस तरह कॉन्स्ट लिखते हैं। अब कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू 5, ठीक हो गया, हमने इसको इस तरह डिक्लेयर कर दिया और इसकी वैल्यू दे दी। अभी हमने क्या किया है, ए सिर्फ डिक्लेयर किया है और इसकी वैल्यू बाद में हम ऐड कर रहे हैं। हम ए इज इक्वल टू यहाँ पे 5 कर दें तो अब ए की वैल्यू है जो वो 5 हो जाएगी, ठीक हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे कॉन्स्ट करते ए इज इक्वल टू 5 और ए इज इक्वल टू 2 हम यहाँ पर कर रहे होते तो ये हमें एरर दे देता, क्योंकि कॉन्स्ट की वैल्यू ऊपर एक बार हमने स्टोर कर दी है, हम उसको दोबारा नीचे से चेंज करना चाह रहे हैं तो ये हमें एरर दे देगा। लेकिन लेट मतलब वेरिएबल जो है, हम उसकी वैल्यू बार बार चेंज कर सकते हैं। हाँ जी, बहुत सारे जब हम मतलब प्रोफेशनल वेबसाइट्स बना रहे होंगे, हमारे पास बहुत सारा डाटा ऐसा होगा जिसकी हम वैल्यू चेंज नहीं करते हैं, तो वो हम कॉन्स्ट में लेते हैं। जिसकी वैल्यू चेंज करनी होती है वो फिर हम वेरिएबल्स में ले रहे होते हैं जी। जी अच्छा, साइलेंस प्लीज यार। अगर आप लोग बैक पे गए HTML की पहली क्लास है, उसमें शायद हमने सिर्फ और सिर्फ H1 और पैराग्राफ के एलिमेंट देखे थे। नेक्स्ट क्लास में हमने ऑर्डर लिस्ट वगैरह देख लिए, थर्ड में हमने लिंक्स वगैरह देख लिए। स्मॉल टॉपिक्स कर करके हमने लास्ट जो असाइनमेंट दी थी, एक पूरी वेबसाइट बनाई थी, ऐसा ही है वेब डिज़ाइन की।
कि स्मॉल थोड़े थोड़े एलिमेंट्स हम पढ़ते गए और हमने वेबसाइट डिजाइन कर ली। उसी तरह सी एस एस में भी हमने किया था, कुछ टॉपिक्स में हम बैकग्राउंड के कलर चेंज कर रहे हैं, कुछ में कलर कर रहे हैं, कुछ में पैडिंग हमने कवर किया, कुछ में मार्जिन किया। तो इन सारी चीज़ों को मिला के आपने पूरी वेबसाइट डिज़ाइन कर ली। सेम इसी तरह जावास्क्रिप्ट भी है, इसी के भी हम थोड़े थोड़े से टॉपिक्स पढ़ेंगे, एट द एंड जब सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे तो उसकी मदद से पूरी की पूरी वेबसाइट आप लोग डिवेलप कर रहे होंगे। डिज़ाइन करने के बाद अभी डिवेलपमेंट का हमारे पास स्टेप आ गया है। तो अभी तक इसको समझ नहीं लगी हो एनीवन, ऐसे ये जो फंक्शन बनते हैं, जब हम फंक्शन में जाएंगे ना हम फंक्शन देखेंगे। ओके साइलेंस प्लीज, बी फ्रैंक, जावास्क्रिप्ट होती है मुश्किल, एचटीएमएल सीएसएस कोई मुश्किल नहीं है, जावास्क्रिप्ट है कुछ टफ होती है, मुश्किल है। तो जिनका प्रोग्रामिंग से बिल्कुल भी कोई वास्ते ही नहीं है उनको मुश्किल लग भी रही होगी, तो जिस चीज़ की समझ ना लग रही है साथ साथ पूछ लें, जो टॉपिक आपका रह गया वो फिर रह जाएगा। आप लोगों को जावास्क्रिप्ट ऐसी चीज़ है, आप लोग दोबारा वीडियो भी देख रहे होंगे शायद समझ ना लगे आप लोगों को। तो यहाँ पे लॉजिक या कुछ भी कह सकते हैं थ्योरी कवर कर लें, जिस चीज़ की समझ लग रही है पूछ लें साथ साथ, क्योंकि बाद में अगर आप लोग मैसेज भी कर रहे होंगे शायद मुझे भी ना समझ लगे आप लोग पूछ क्या रहे हैं, कि आप लोग अपने हिसाब से पूछ रहे होंगे, मैं अपने हिसाब से सोच रहा होगा। और जावास्क्रिप्ट है भी ऐसी चीज़ है, आपने अपना जो कोड लिखा होगा या अपनी जो लॉजिक्स बनाई होगी वो मुझे समझ भी नहीं आ रही होगी शायद। और ये जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग में होता भी ऐसा है, कहा जाता है अक्सर मतलब क्लाइंट्स वगैरह होते हैं वो बने बनाए प्रोजेक्ट कहते हैं कि इसको आप लोग चेंज कर दें या फिर बना के दें, तो वो प्रोजेक्ट करते भी नहीं है। किसी का कोड लिखा हुआ प्रोजेक्ट या किसी का कोड लिखा हुआ उस पर काम करना बहुत मुश्किल है, अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करके दोबारा से उस पर कोड करना बहुत आसान है। किसी का कोड पढ़ना बहुत मुश्किल है, अपना कोड भी दोबारा बाद में पढ़ना मुश्किल हो जाता है। ये चीज ऐसी है। हाँ जी अटेंडेंस शीट में जी साइलेंस प्लीज। जी मैं बता देता हूं, साइलेंस प्लीज। ओके सर, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते हैं तो इस पूरी बॉडी में वो राइट कर देता है, पुराना जितना एलिमेंट लिखा हुआ है एचटीएमएल हमने लिखा हुआ है उन सारों को रिमूव करके वो सिर्फ और सिर्फ एक न्यू राइट करता है। अलर्ट में क्या होता है, अलर्ट यहाँ पे शो हो जाता है, ठीक हो गया, एक अलर्ट बॉक्स आ जाता है। किसी एलिमेंट को टारगेट करके हम उसके अंदर इंजेक्ट करवा देते हैं एचटीएमएल। कंसोल क्या होता है, डेवलपर टूल है, हर ब्राउज़र में डेवलपर टूल होता है। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये डेवलपर टूल आ जाता है राइट साइड पे। इस राइट साइड में ये कंसोल यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है, कंसोल जब करेंगे तो ये देखें हमने कंसोल में यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग किया होगा, ये देखें कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखेंगे तो वो यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहा होगा। एरर वगैरह होते हैं, आप कोई फंक्शन बना रहे हैं उस फंक्शन का कोई एरर आ जाए वो हम कंसोल में प्रिंट करवाते हैं, सक्सेस हो जाए हम कंसोल में प्रिंट करवाते हैं, कोई डॉक्यूमेंट हमने डेटाबेस से मंगवाया हो उसकी वैल्यू चेक करनी हो वो हम इस पर देख रहे होते हैं। आप पूरी की पूरी जावास्क्रिप्ट भी इसमें लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल x इज इक्वल टू 5, अब x क्या आ जाएगा हमारे पास 5 आ गया। अगर हम y को करें सिर्फ y, तो y इस टाइम हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। z हम करते हैं, z हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। वेरिएबल y इज इक्वल टू लेट सपोज 6 कर दें, तो अब हमारे पास y देखें ये 6 आ रहा है। हम y प्लस
एक्स करते हैं तो देखें हमारे पास साथ साथ नीचे वैल्यू भी शो होने लग जाएगी। तो इसमें हमें कंसोल डॉट लॉग लिखना नहीं पड़ता है, हम जो चीज़ लिख रहे हैं वो ऑटोमेटिकली कंसोल डॉट लॉग ही हो रहा है। तो बहुत सारे फंक्शंस अगर हम बना रहे हो, कोई स्टेटमेंट्स वगैरह लिख रहे हो, तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं ताकि हमें साथ से पता लगे। अब हमें देखिए पता लग गया है, वेरिएबल x इज इक्वल टू 5 किया, वेरिएबल y इज इक्वल टू 6 किया, y प्लस x किया तो उसकी ये वैल्यू आ रही है। तो हमने क्या करना है, कॉपी किया यहाँ से, पेस्ट किया, कॉपी पेस्ट, अब कंसोल डॉट लॉग x प्लस y। तो ये कंसोल डॉट लॉग हमें क्या दिखाएगा, x जमा y करेगा तो इसकी वैल्यू जो भी होगी वो हमें शो कर देगा। हमने x प्लस y किया, y माइनस x कर दें तो इसकी जो भी वैल्यू बनेगी अब 1 आएगी, तो यहाँ पे हमें 1 शो हो जाएगा। y मल्टीप्लाई x करें तो ये 5 ज़रबे 6 30 होगा, तो 30 हमें शो कर देगा। तो ये डायरेक्ट कंसोल डॉट लॉग हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। ओके जी, ये लास्ट थोड़ी सी चीज देख ले, उसके बाद हम इसको वाइंड अप करते हैं। अब लेट ए बी सी, ये एक लाइन में लिखा हुआ है, ये नेक्स्ट लाइन में आ गया। अब यहां पे देखें ये एक ही लाइन में है, ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 6 और सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ट्राई इट योर सेल्फ में आते हैं। अच्छा, अभी यहां पर हम अगर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में आए, हम यहां पर इसको सेमी कॉलन ना भी ऐड करें, बी लेट सपोज बी मल्टीप्लाई बाई ए, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय सी लर्निंग एचटीएमएल, तो ये देखें 50 यहाँ पर हम बी मल्टीप्लाई बाय ए कर रहे हैं, बी मल्टीप्लाई बाय ए। अच्छा अब यहाँ पे देखें 10 ज़रबे 5 हो रहा है, 10 ज़रबे 5 हो रहा है, 10 ज़रबे 2 नहीं हो रहा, क्योंकि हमने ये वेरिएबल लिया हुआ था, ए की वैल्यू पहले 2 हुई, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिक ए की वैल्यू 5 हो गई, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 10 50। अगर हम इसी को अभी देखें, सेमी कॉलन ही लगाया हमने, इस पे सेमी कॉलन लगा देते हैं और इसे हम वैसे हाइड कर देते हैं। ए यहां पे अब देखें, जब हम एक लाइन में लिख रहे होंगे तो एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स लिखने के लिए हम फिर सेमी कॉलन यूज करते हैं। तो इस वजह से प्रैक्टिस बेस्ट यही है कि आप लोग साथ साथ सेमी कॉलन यूज कर रहे हो। अब अगर हम यहां पर इसको सेमी कॉलन लगा दें तो ये नेक्स्ट लाइन वाला कोड वर्क करेगा इस तरह। ये देखें, बी मल्टीप्लाई बाई ए इज इक्वल टू 50, सेमी कॉलन रिमूव करते हैं, एंटर करते हैं, तो यहाँ पे हमें कुछ भी शो नहीं होगा क्योंकि उस वो कोड वर्क ही नहीं कर रहा है, वो a इज इक्वल टू 5 इस लाइन में आके कोड वैसे ही ब्रेक हो गया है। वो आपको ये देखें सिंटैक्स एरर दे देगा, हमें जितने एरर वगैरह शो हो रहे होते हैं वो कंसोल डॉट लॉग में ही आ रहे होते हैं। तो ये देखें इंडेक्स डॉट एच टी एम एल 43 में, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल लाइन नंबर 43, तो ये देखें 43 में एरर है। एरर क्या है, सिंटैक्स एरर है, तो हम इसको सेमी कॉलन लगा देते हैं। अच्छा, कोड जहां पे ब्रेक होता है, साइलेंस प्लीज, जहां पे कोड जहां पे भी एरर आ जाता है उसके बाद जितने भी फंक्शंस वगैरह भी अगर बन रहे हो तो वो कोड वहां पे ही रुक जाता है, हमारा कोड उससे नेक्स्ट मूव भी नहीं करता है। तो हालांकि हम कंसोल डॉट लॉग करवा रहे थे, अब हम करेंगे तो दोनों कोड वर्क होगा। ये देखें कंसोल डॉट लॉग आ गया जी, हाँ जी। अब लास्ट है ना, लास्ट पे अब अगर हम ना भी लगाएं तो हमारा कोड वर्क करेगा, हम लगा दें तो अच्छी बात है। हाँ जी,
कंसोल वाला कर रहा है, ये देखें 30। अच्छा ये जो एरर आ रहा है, अगर आप लोग एरर देख रहे हैं, ये ब्राउजर का अपना एरर है, ये क्रोम ब्राउजर का अपना एरर है, मतलब वो ब्राउजर में जो भी फंक्शनैलिटीज यूज कर रहे हैं उसमें से कोई कोड एरर दे रहा है तो वो हमें कंसोल डॉट लॉग में शो हो रहा है। अच्छा जब यही सारे बटन आप लोगों को जिस तरह भी नजर आ रहे हैं, इसको अगर हम स्टाइलिंग करके ऊपर ले आए, थोड़ा प्यारा सा बना सकें, उसके बाद भी अगर हम इसको कोडिंग कर रहे होते तो ये प्यारा भी लगता। तो ट्राई कीजिएगा, जावास्क्रिप्ट भी कीजिएगा, साथ साथ एचटीएमएल और सीएसएस की मदद से इन बटन वगैरह को भी प्यारा बनाइएगा। आप लोग सिंपल यहाँ पे टॉप पे एक हेडर ले लें, उसमें बेसिक नेविगेशन बार बनाना बना लें, एक टेबल ले लें, टेबल के अंदर ये सारे बटन आ जाएं, उन बटन में साथ साथ टेक्स्ट लिखते जाइएगा कि ये बटन क्या काम कर रहा है। जिस तरह हमने यहाँ पे हाइड द इमेज, टर्न ऑफ द लाइट, टर्न ऑन द लाइट, प्रिंट, अलर्ट सेटिंग, अलर्ट नंबर वगैरह लिखा है, इसी तरह एक एक रो में बटन आते जाएं, उसके नीचे एक बॉक्स ले लें, उस बॉक्स में से एलिमेंट को उठा लें, उस बॉक्स का एलिमेंट उठा लें या उसके अंदर पैराग्राफ्स वगैरह जो भी यूज करना है वहां पे आप लोग साथ साथ इसका आउटपुट भी देखते जाएं। तो बाकी हमने आज जो है स्टेटमेंट्स तक पढ़ ली है, बल्कि ये स्टेटमेंट्स पढ़ भी लीजिएगा, जावास्क्रिप्ट में स्पेस वाइड स्पेस जो होती है, जिस तरह पैराग्राफ में हम यूज करते हैं वो एक स्पेस को ही एक्सेप्ट करता है, कोड ये भी वर्क करेगा, स्पेस दे या ना दे या इसमें स्पेस ज़्यादा दे दें तो वाइड स्पेस इसने एक ही लेनी है, लेकिन अगर हम स्पेस दे रहे हो साथ साथ तुम्हारा कोड क्लीन होगा और हमें खुद को भी कोड की समझ लग रही होगी। अ गुड प्रैक्टिस इज टू पुट स्पेसेस अराउंड ऑपरेटर्स, कि ऑपरेटर्स भी जितने हैं उसमें भी स्पेस आनी चाहिए। 80 करेक्टर से ज़्यादा अगर आपका कोड आ रहा हो तो उसको हम नेक्स्ट लाइन में ले आते हैं, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन जितना कोड आपको एक लाइन में समझ आ रही है उतना हम लिख सकते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाते हैं। जावास्क्रिप्ट कोड ब्लॉक से अगर एक से ज़्यादा कोड को फंक्शन एग्जीक्यूट करवाना हो तो फिर हम उसको कर्ली ब्रेसिस में लिख लेते हैं, तो यहाँ पर आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, तो इसे हम कल देखेंगे इंशाल्लाह।